नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो उसने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और हर वो चीज जिससे इमारत तैयार करने के लिए जरूरी ख्याल किया जाता है उसका इंतजाम किया जाने लगा। सारी दुनिया के कारीगरों को इकट्ठा किया गया और कहते हैं कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 के लगभग थी। 7 साल के अरसे में ये महल तामीर हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर बुलंद थी कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए तो उस वक्त से इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो महल फिरौन की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आखिरकार यही वो महल साबित हुआ कि जिसके जरिए फिरौन की कौम पर आजाब नाजिल किया गया और अल्लाह ने यह साबित किया कि वो मूसा को फिरौन के घर पर रखता है और फिर वहीं परवरिश दिलाता है और वही मूसा जब अल्लाह का नाम लेता है तो फिरौन की मौत और उसके जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में फिरौन के महल के कुछ खुफिया रस्तों के मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम देखने वालों से गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बरवक्त मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, फिरौन के महल को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया गया और जब वो इससे फारिग हुआ तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर शाक गुजरा और आपको इस हवाले से बहुत दिली सदमा पहुंचा। बस अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं इसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिरौन और उसके खास लोग महल की छत पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वो खून आलूदा थे। ये देखकर फिरौन और उसके हवारी कहने लगे कि हमने मूसा के रब को कत्ल कर दिया है। माज़ल्ला, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मारकर इस महल के 3 टुकड़े कर दिए। इनमें से 1 टुकड़ा समंदर में गिरा, 1 टुकड़ा हिंदुस्तान में और 1 टुकड़ा मगरब में जा गिरा। रिवायात में यह भी आता है कि इन टुकड़ों में से 1 टुकड़ा कौमे फिरौन पर भी गिरा था जिससे 10 लाख फिरौनी लोग हलाक हो गए थे। और ये भी रिवायत मौजूद है कि जो लोग इस महल को बनाने में शरीक थे उनमें से हर कोई डूबकर या जलकर या किसी आफत का शिकार होकर मर गया था। अल्लाह ने फिरौन का महल तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फिरौन ने देखा और अपना बातिल होना उसे मालूम हुआ तो उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने उनको मौजदों से आजमाया और इन मौजदों में असाए कलीमी, यद बैजा, तूफान, टिड्डी दल, जुए और मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दुनिया का फट जाना शामिल था। फिरौन के महल के मुतल्लिक भी ये आता है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और उसने मरकजी दरवाजे पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखवा रखा था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने इनकार कर दिया और सरकशी की राह इख्तियार कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मालिक, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये हर बार बुराई से बाज नहीं आता, मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफर का देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूं जो इसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। नाज़रीन गिरामी, एक लम्हे के लिए ख्याल तो ये भी कीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हमारे घरों के दरवाजे पर और हमारे दिलों के दरवाजे पर लिखा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे घर में कोई हराम चीज़ दाखिल हो और हमारे दिल सरकशी में डूब जाए।
नाज़रीन गिरामी, फिरौन के महल के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि जो इसका टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा तो ये वो टुकड़ा था कि जो कि खुफिया तौर पर तामीर किया गया था। इस महल की तामीर में 7 साल का अरसा लगा था और अब सोशल मीडिया पर कुछ बहस ऐसी सामने आ रही है जिसमें लोगों का ये कहना है कि वो टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था उसको तलाश कर लिया गया है और इसमें खुफिया रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं जो फिरौन ने खुद छुपने और भागने के लिए तामीर कर रखे थे। इनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता क्योंकि फिरौन के महल के मुतल्लिक कोई भी सही सनद और रिवायत अभी तक सामने नहीं आ सकी कि इसका जो टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था वो कब और कहां पर मौजूद है। लिहाजा इसके मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम आपकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। नाज़रीन गिरामी, फिरौन दरअसल मिस्र का एक बादशाह था जो कि ज़मीन पर अब तक का सबसे बड़ा शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बर इंसान था, नहायत ही बदतमीजी से पेश आता और मुलहिद था। उन्हें मिस्र इंतहाई जालिम और मुतकब्बर बादशाह था। उसने कई साल तक लोगों पर हुक्मरानी की और अपने जुल्म व सितम की वजह से वो बहुत मशहूर हुआ। उसकी एक बीवी थी जिनका नाम हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो था जो कि ईमान ले आई थी और इसके अलावा फिरौन की अपनी कोई औलाद ना थी। उस जमाने के लोगों से खुद को तस्लीम करवाने की कोशिश करता और फिर उन्हें मजबूर करता कि वो उसकी पूजा करें। फिरौन इंसान और देवता के दरमियानी रास्ते के तौर पर खुद को पेश करता था। फिरौन की कौम को बनू इसराइल कहा जाता था और ये उस कौम पर हुकूमत करता था। फिरौन ने अपनी अजीम यादगारें तामीर करवाईं और मुजस्मों की तामीर की वजह से ये लोगों पर रोब डालने की कोशिश करता था, लेकिन फिरौन की मौत दुनिया की सबसे अफसोसनाक मौत थी और जब कोई खुदाई का झूठा दावा करे तो फिर उसका अंजाम भी यही होता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है और फिर वही मूसा को फिरौन के घर में परवरिश दिलाता है। फिरौन का जवाल तो उसी वक्त शुरू हो गया कि जब उसने ख्वाब में ये देखा था कि बैतुल मक़दस की जानिब से एक आग निकली है और उसने तमाम मिस्र को अपने कब्जे में ले लिया है और तमाम बनू इसराइल को जलाकर राख कर दिया है। फिरौन ने जब इसकी ताबीर पूछी तो पता चला कि मिस्र में बनी इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत, उसके जाहो जलाल और उसके मुतकब्बराना अंदाज को ख़त्म करके फिरौन को निस्तो नाबूद कर देगा। लिहाजा फिरौन ने बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के डर से संदूक में बंद किया और पानी में डाल दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि ऐ मालिक तू मेरे बेटे की हिफाजत करना, और वो मालिक तो फिर जब चाहे तो हक को बातिल के घर में परवरिश दिलाता है। और ऐसा ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पानी से निकाला और अपने बेटे के तौर पर अपने घर पर रख लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वहां परवरिश हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ही फिरौन के खात्मे का बायस बने। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे।